हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजत। स्वागत करता हूं आपका आपकी क्लास योर क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कस्टमर के बारे में जिसने अमेज़ॉन कंपनी को, जो कि एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इस कंपनी को, अमेज़ॉन को करीबन 50 लाख रुपए का चूना लगाया है। 50 लाख रुपए की ठगी की है, आप ये सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है एक सिंपल इंसान के लिए, 50 लाख रुपए। और ऐसा किया है दिल्ली के रहने वाले एक इंसान जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है और उनका नाम है शिवम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंपल से बात करते हैं, एक 21 ईयर ओल्ड शिवम चोपड़ा जिनका नाम है, उन्होंने इस पॉलिसी को, जो कि अमेज़ॉन की पॉलिसी है कि अगर आपको कोई भी डब्बा खाली मिलता है, आपने कोई फ़ोन बुक किया, ऑर्डर किया और डब्बा आपको खाली मिलता है, तो अमेज़ॉन आपको रिफ़ंड कर देगी, क्योंकि ये उनकी तरफ से हुई गलती है। इसी बात का उन्होंने इतना तगड़ा फ़ायदा उठाया और करीबन उन्होंने 166 प्रीमियम स्मार्टफोन, जिनकी कीमत आप कह सकते हैं कि मतलब 50,000 75,000 से ज़्यादा के फ़ोन की कीमत थी, ऐसे फ़ोन को उन्होंने बुक किया और फेक नंबर, फेक एड्रेस से बुक किया, और मतलब गलत गलत जगह पर उन्होंने ऐसा एड्रेस डाला कि जो कि अमेज़ॉन के डिलीवरी बॉय को मिला ही नहीं। फिर फ़ोन किया गया तो फ़ोन पर उन्होंने दूसरी जगह बताया कि सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ आ जाइए, और इस तरीके से वहाँ पर फ़ोन देकर पैसे ले लिए। और बाद में अमेज़ॉन को कॉल करके कहा कि आपने जो मुझे पार्सल भेजा है उसमें कोई भी सामान नहीं है। इस तरीके से उन्होंने करीबन अप्रैल से मई के बीच में 50 लाख रुपए जो है वो अमेज़ॉन से लिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। जब अमेज़ॉन को इस बात का रियलाइज़ हुआ कि जी उन्होंने नहीं गलती की है, ये 50 लाख रुपए जो है वो अलग अलग बंदों के नहीं है बल्कि एक खुद एक अकेले बंदे के द्वारा किया गया है, तो वो दिल्ली पुलिस के पास गया और जिसकी वजह से ये जो मामला है वो सामने आया है। और अभी इन शिवम चोपड़ा जो इनका नाम है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से 19 मोबाइल फ़ोन को सीज किया है, 12 लाख रुपए कैश और 40 बैंक की पासबुक इनके पास से मिली है। पुलिस ने इनके साथ एक और शॉपकीपर को, दुकानदार को अरेस्ट किया है, जिसने जो है इन्हें पहले से ही प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड दिया है ताकि ये अमेज़ॉन पर हर एक सिम कार्ड से एक एक अकाउंट बना सके। इन्होंने जो है बहुत तगड़ी ठगी की है, पहले तो अमेज़ॉन से पैसे भी वापस ले लिए, बाद में जो फ़ोन इन्होंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे उन सभी फ़ोनों को इन्होंने OLX पर, इन सब जगहों पर बेच दिया, OLX या गफ्फार मार्केट में बेच दिया, जहां से इन्हें दोबारा से आप कह सकते हो उसी फ़ोन की अर्निंग हुई है। तो इस तरीके से इन्होंने करीबन 50 लाख रुपये बनाए हैं अप्रैल से मई के बीच में, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन अब देखा जाए तो ये मामला पूरा सुलझ चुका है और दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। सो दोस्तों, ये थी बहुत बड़ी न्यूज़ जो कि अभी आ रही थी कि कैसे एक कस्टमर ने अमेज़ॉन को 50 लाख का चूना लगाया है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इस बारे में पता लग सके, इस न्यूज़ के बारे में। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी ऐसी गलती ना करें, जो सच्चाइयों से सच्चाई रहने दीजिए। अगर कोई बंदा ऐसी गलती करता है तो जो ऑनलाइन कंपनी है उनका भी भरोसा उठ जाएगा और जो सही बंदा होगा ना वो उसे भी रिफ़ंड नहीं करेंगी। तो ये दोस्तों बहुत ही गलत बात है, कृपया करके ऐसा कोई भी फ़ायदा ना उठाए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप मिस ना करें। सो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।